जियो F120B में अगर हैंग ऑन लोग ऑटो रिस्टार्ट जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे फ्लैश करना है, तो हम आज आपको बताएंगे क्यूफिल से आपको कैसे फ्लैश करना है। क्यूफिल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्लैश फाइल का लिंक भी वहीं पे मिलेगा। तो आज मेरे पास दो फ्लैश फाइल है, ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट वाली फ्लैश फाइल को लिंक करूंगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाली फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राउजर पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको ये काम मेटा बिल्ड में करना है, ठीक है, क्यूफिल के अंदर। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे वापस से वहीं पर बूट इमेज पे, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर की फ्लैश ये फाइल जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ना बैटरी को निकाल देना। ये मैं जो फ्लैश फाइल को जो इसमें सेलेक्ट किया है वो फर्स्ट वाली, ठीक है। अभी सेकंड फ्लैश फाइल है जो वर्क करेगी, ये करती है नहीं फर्स्ट वाली, ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे स्टार वेज से ये कनेक्ट हो चुका है। अगर ना हो तो आप सेलेक्ट पोर्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैं डाउनलोड कंटेंट पर क्लिक करते देख सकते हैं फर्स्ट एरर आ चुका है। तो इसमें आया गेट पर्सन फेल फाइल्स फेल, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले एरर कैसे फिक्स करना है, ठीक है, इसमें हम फ्लैश फाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। टूल चेंज नहीं करेंगे, ओनली फ्लैश फाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको मोबाइल को वापस से ऑन कर लेना है, ठीक है, वापस ऑफ करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं वापस से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये सेकंड वाली फ्लैश फाइल है जो कि 19 से इसका मॉडल चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लैश फाइल है दोस्तों मैंने दे रखा है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, एक्सट्रैक्ट करोगे जब, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पासवर्ड है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखे आपको लास्ट में वीडियो का पासवर्ड मिल जाएगा, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो ये देख सकते हैं मेरे जो दूसरी वाली फाइल है वर्किंग फाइल वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। और अगर आपकी जियो के F120B में वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम, जैसे थोड़ा बहुत डिस्प्ले आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे चलने पर जियो अच्छे से लिखा है देखा दिख रहा है, लेकिन थोड़े आगे बढ़ने के बाद में आपके डिस्प्ले वाइट हो जाती है, या फिर बंद चालू हो रहा है, या फिर पूरे वाइट डिस्प्ले, तो एक बार इस फ्लैश फाइल से फ्लैश करके देखिए, आपके 100% जियो की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे एक्सेप्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये वाली फाइल है 19 वाली, ठीक है, 19/0/11/21 वाली, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापिस से क्यूफिल में यहाँ पर लोड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सीधा डेस्कटॉप पर दबाना, हमारे फाइल डेस्कटॉप पर है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर दबाऊंगा और ये देख सकते हैं 18/18 और 19/11/21, ठीक है। तो 19/11/21 की हमें फाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर लोड कर देना है, उसके बाद आपको ब्राउजर पर वापस आपको डेस्कटॉप पर ही क्लिक करना है, वरना पुरानी फाइल सेलेक्ट हो जाती है यहाँ पर। तो वापस से उसी 19/0/11/21 की फाइल, तो ये फर्स्ट वाली फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सीधा मोबाइल को बंद करना है, बैटरी निकाल के लगाना है, उसके बाद स्टार हैश दबा के USB केबल को लगा देना है, ठीक है। केबल लगाने के बाद में आपको सीधा यहाँ पर पोर्ट दीजिए, उसके बाद आपको डाउनलोड कंटेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो अच्छा खासा चल रहा है फ्लैशिंग, ठीक है, तो होने देते हैं इसकी फ्लैशिंग। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, सिखाता हूँ फ्लैशिंग करना, और जेन्युइन तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो भी बताता हूँ। तो होने देते इसको फ्लैश, इसमें फ्लैशिंग में आपके कम से कम आपके PC के ऊपर है, आपके पास लैपटॉप या PC उसमें क्या है, कौन सा प्रोसेसर, उसके ऊपर डिपेंड करता है तो कितनी जल्दी ये फ़ोन लेगा। तो ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा आपको इसमें, तो आपके डाउनलोड सक्सेस बता देगा, जब जाइए आपका फ़ोन फ्लैश होगा पूरी तरीके से। ये देख सकते हैं डाउनलोड सक्सेस बता दिया है, तो हमारा फ़ोन पूरी तरीके से फ्लैश हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या करूँगा कि इसकी डाटा केबल को निकाल दूंगा और बैटरी को निकाल के वापस से लगाऊँ, क्योंकि इसमें फ्लैशिंग होने के बाद ऑटो रिबूट नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं मेरे फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर फाइल का पासवर्ड है 4858868, ठीक है दोस्तों, मैं इंग्लिश में काउंट कर देता हूँ 4858868, ठीक है। तो ये फाइल का पासवर्ड आप जब एक्सट्रैक्ट में लगाएंगे तो आपकी फाइल निकल जाएगी पासवर्ड से, और आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश फाइल जो ये फ्लैश टूल है दोस्तों, इसका आप नॉर्मल वर्जन डाउनलोड ना करें, जो मैं आपको लिंक दूंगा वहीं से डाउनलोड करें, ताकि आपके कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका लिंक दूंगा दोस्तों, आपको सीधा वहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। तो और वीडियो अगर आपका काम हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसका MA नंबर भी चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट। अब मैं *#06# लगा के यहाँ पर MA नंबर चेक करूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं MA नंबर भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना,
तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।